एवरी वन नाउ द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल मतलब शेप आपको दिया है रेक्टेंगल और उसका पेरीमीटर है वन फिफ्टी फोर मीटर्स इट्स लेंथ इज टू मीटर्स मोर देन टाइस इट्स ब्रेथ ट्वाइस का मतलब होता है डबल टू इंटू यू हैव टू टेक वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉट इज द लेंथ एंड ब्रेथ लेट देंथ इज इक्वल्स टू थ इज इक्वल्स टू लेंथ इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ सो वी विल टेक ब्रेथ एज एक्स तो लेंथ कितना होगा टू मोर मोर मतलब आपको यूज करना है प्लस टू मोर मतलब टू प्लस ट्वाइस मतलब डबल टू इंटू एक्स टू प्लस टू इंटू एक्स वेर एक्स इज नथिंग बट द ब्रेथ एंड हाउ मच द पेरेमीटर इज गिवन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी फ़ोर मीटर्स नाउ वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि आपको शेप रेक्टेंगल कर दिया इसलिए हम आप पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए यूज़ करें विच इज़ टू इंटू एल प्लस बी दिज ऑल ऑफ यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ टू इंटू एल प्लस बी अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है वन फिफ्टी फ़ोर इज इक्वल्स टू टू एज इट इज़ लेंथ की प्लेस पर आपको क्या लिखना है टू प्लस टू एक्स ब्रेथ की प्लेस पे एक्स नाउ वन फिफ्टी फ़ोर इज इक्वल्स टू टू इट इज़ ब्रैकेट मतलब इट इज़ इन टू टू प्लस टू एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स 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 कैन बी एडेड नाव ये वाला टू हम ट्रांसपोज करें तो इट विल बिकम वन फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री एक्स टू वन जा टू टू सेवन ज़ा फोर्टीन टू सेवन ज फोर्टीन सेवेंटी सेवन इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री एक्स नाव दिस टू ऑल्सो वी आर शिफ्टिंग शिफ्टिंग मतलब ट्रांसपोज अभी अगर हम वो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा माइनस सेवेंटी सेवन माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री एक्स सेवेंटी सेवन माइनस टू इज़ सेवेंटी फाइव नाव वी डोंट वॉन्ट दिस ऑल्सो थ्री तो थ्री भी आपको ट्रांसपोज करना है थ्री मल्टीप्लीकेशन में है अगर आप उसको पोजिशन चेंज कर रहे हो तो वो डिविजन में जाएगा थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो एक्स कितना हुआ ट्वेंटी फाइव But we don't want x, we need the length and breadth. Therefore, length will be equals to x, it is 2 plus 2x. So, 2 as it is, plus 2 as it is, x ke place pe kya hai? 25. Then, equals to 2 plus 2 into 25, 50. So, your length will be equals to 52 meters. The unit you have to use as. Meters, and the next you are having breadth. Breadth is nothing but x, which is equals to 25 meters. So for that swimming pool, the length is 52 meters, and the breadth is 25 meters. Hope it is clear for you. If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.